हैशटैग दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो या रील्स अपलोड कर रहे हो या फिर वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हो, अगर आप भी अपने पोस्ट के अंदर डालना चाहते हो ट्रेंडिंग हैशटैग्स, तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए है। आज आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रेंडिंग हैशटैग्स कैसे अपने पोस्ट के अंदर डाल सकते हो। एक आपको दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आप जाके सर्च भी कर सकते हो कीवर्ड से रिलेटेड कि आप कैसे आपके ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं, पोस्ट से रिलेटेड कैसे हैशटैग्स आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एक बेहतर तरीके से अपने राइट हैशटैग्स को अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों बिना कोई समय बर्बाद करे चलते हैं हमारे फोन की स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हैशटैग की, हम ट्रेंडिंग हैशटैग अपने पोस्ट या वीडियो के अंदर हम या फिर रील्स के अंदर हम कैसे डाल सकते हैं। स्पेसिफिकली दोस्तों आप क्या सपोज करिए, मैंने इंस्टाग्राम अपना ओपन किया और मैं अपने जैसे सपोज करिए दोस्तों, अगर आपने रवि ऑन रैप को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और आप डायरेक्ट आके मेरे से कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए मैं टॉप गुरुज में आ गया और टॉप गुरुज को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, टॉप गुरुज को भी जाके दोस्तों फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब सपोज करिए जितने भी मैंने पोस्ट डाल रखे हैं या मैं जितने भी ये सपोज करिए पोस्ट डाल रहा हूँ यहाँ से, फाइव टाइप ऑफ वेबसाइट लैंडिंग पेजेस एंड विच वन यू शुड यूज़। अभी जितना भी कंटेंट है मैं चाह रहा हूँ कि वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। जैसे मैंने ये हैशटैग डाल रखे हैं, इस तरह के और हैशटैग हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप राइट हैशटैग कैसे चूज़ करें, तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने डाल रखा है गूगल एड्स, राइट हैशटैग क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने हैशटैग्स डाल रखे हैं, गूगल एड्स, एड ऑनलाइन बिजनेस, या फिर और भी तरीके का आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके दोस्तों आपको मैं हैशटैग बता रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं इस तरीके हैशटैग्स ट्रेंडिंग हैशटैग्स को यूज़ करना अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सपोज करिए जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्टेंट डाल लें, तो आप यहाँ पर जैसे डिजिटल मार्केटिंग डालेंगे ना, जैसे सपोज करिए आपने डिजिटल डाला, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आपने दोस्तों जैसे डाला, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे यहाँ पे पोस्ट आ गए, वीडियोस आ गए, रील्स आ गई। जैसे मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, इसमें देख सकते हैं किसने क्या क्या डाल रखा है इस तरीके से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, हाईलाइट कवर अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। तो आप इसमें से कुछ हैशटैग्स निकाल सकते हैं दोस्तों, इसमें से कुछ हैशटैग्स आप निकाल सकते हैं, वो बता रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं। या फाइव कोर्सेज टू लर्न एसईओ, एसईओ से रिलेटेड दोस्तों इसने हैशटैग डाल रखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। और वहीं आप देख सकते हैं अगर इसने रखा टॉप सिक्स यूजफुल कॉपी राइटिंग हैक्स फॉर टू ट्राई, इससे रिलेटेड अगर आप जो भी है आप अपने डिमांड के हिसाब से, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हिसाब से आप राइट हैशटैग चूज़ कर सकते हैं। आप कहोगे भाई कॉपी कैसे होंगे, कॉपी का कुछ सिंपल प्रोसेस नहीं है, आपको बस क्या करना है दोस्तों, जैसे ये मेरे को इसमें से कुछ चाहिए कॉपी राइटिंग से रिलेटेड कुछ हैशटैग चाहिए, तो मैं कॉपी यहाँ से थ्री डॉट्स पर क्लिक करूँगा या कॉपी लिंक पर क्लिक करूँगा और मैं इंस्टाग्राम में गूगल क्रोम ओपन करके वहाँ पेस्ट कर दूंगा। जैसे पेस्ट कर दूंगा दोस्तों क्या होगा, ये वाला जो पोस्ट है ना ये इसमें ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा और मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करके, ठीक है, मैं इसको कह दूंगा नहीं मुझे इसमें नहीं चाहिए। जैसे मैं मोर पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप, इन्हीं हैशटैग्स पे आप क्लिक करेंगे ऐसे करके, जैसे पोस्ट करिए फॉलो से मैंने हटाया, यहाँ पे क्लिक करा इस तरीके से आप सेलेक्ट करके और यहाँ कॉपी करके अपने पोस्ट में जाके आप इस तरीके से वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट तरीका बताता हूँ कि आप कैसे अपनी इमेज या कोई लिंक डाल के वहाँ से राइट हैशटैग चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड। तो जैसे ही मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च में डालता हूँ हैशटैग जनरेटर, ठीक है। जैसे मैंने हैशटैग जनरेटर डाला तो यहाँ पे सबसे पहली साइट ओपन होगी इन्फ्लेक्ट। इन्फ्लेक्ट ये दोस्तों मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट है और मैंने अभी रील भी डाली तो उस पर अच्छे लाइक्स आए, बहुत अच्छा ग्रो करा। तो यहाँ पे बेस्ट है जनरेटर पर मैं ओपन क्लिक करूँगा और आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन पूछता है, कीवर्ड, फोटो, पोस्ट यूआरएल। अगर आप कीवर्ड कोई स्पेसिफिक है डालना चाहें तो कीवर्ड डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं बाय फोटो क्लिक करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से फोटो पे क्लिक करूँगा। सपोज़ करो जैसे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, तो सपोज़ करो जैसे मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करी और मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये वाली मैंने चूज़ करी और इसमें डन कर दूँगा, ठीक है। अब इसको फोटो को देखते हुए ये हैशटैग जनरेट करेगा। जैसे मैं हैशटैग जनरेटर पे क्लिक करूँगा तो मेरे को रिलेटेड कुछ हैशटैग्स दोस्तों बताने लगेगा, ये सिमिलर हैशटैग। यहाँ पे इसने सर्च करना चालू कर दिया प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट, इस तरीके से दोस्तों रेलिवेंसी निकालेगा ये हैशटैग। इस तरीके से आप जैसे स्मार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके वो 18 हैशटैग आपको बता रहा है कि यहाँ 18 हैशटैग हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हैं तो आपका पोस्ट पे अच्छी एंगेजमेंट आ जाएगी। तो ऐसे आप अपनी फोटोज़ को दोस्तों यहाँ पे अपलोड करके ले सकते हैं। अगर आप कीवर्ड के थ्रू जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं अगर आपने फैशन से रिलेटेड कुछ अपलोड किया, जैसे मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ फैशन और मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, फैशन से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड मुझे दिखा देगा, फैशन, फैशन ब्लॉगर, फैशन ऑन इंस्टा, फैशन स्टाइल, इंस्टा फैशन, फैशनेबल, इस तरीके से कर सकते हैं। और आप दोस्तों क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
और मैं इस पर डस्टबिन में डालने के बाद, जैसे डस्टबिन को वहाँ पर डिलीट कर हटा दिया, अब मैं यहाँ पे स्मार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को यहाँ से 23 हैशटैग लगभग बता रहा है, 30 की आपको लिमिट हो सकती है। तो 2-4-5 दोस्तों आप खुद भी बना सकते हैं अपने नाम से, अपने रिश्ते रिलेटेड, और कॉपी पे क्लिक करके अपने वहाँ जाके आप इस पर डाल सकते हैं। ऐसी आप पोस्ट URL पे भी दोस्तों जाके डाल सकते हैं एक बार में दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डेली बेसिस पर करीब 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हैशटैग आप दोस्तों डाल सकते हैं और अपनी क्या बोलते हैं पोस्ट को या फिर वीडियो को दोस्तों आप इस तरीके से वायरल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको हैशटैग कैसे निकालने और कैसे अपने पोस्ट के अंदर इंसर्ट करने हैं। अगर समझ में आ गई तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस तरह का बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे या आपको शॉर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।